शिकागो के ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रनवे पर टेक ऑफ से पहले एक अमेरिकी विमान का टायर फट गया, जिसके बाद उसके इंजन में आग लगने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक हादसा विमान के टेक ऑफ करने से ठीक पहले हुआ। इसके बाद विमान से लोगों को इमरजेंसी गेट से फौरन उतार लिया गया। इस हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान विमान में 170 लोग सवार थे। भारतीय समय के अनुसार ये हादसा शनिवार सुबह 4 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि विमान अमेरिका से मियामी जा रहा था। इसमें 161 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यह विमान आग की लपटों में घिर गया है। वहीं हादसे के बाद एयरपोर्ट के 2 रनवे बंद कर दिए गए हैं। FAA के मुताबिक मामले की जाँच की जा रही है। वाकई बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना में लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते यात्रियों को विमान से उतार लिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।